मैं हूं आपके साथ नम्रता। मोदी सरकार की स्वच्छता रेटिंग में नंबर वन रहने वाले इंदौर में इतनी सफाई है कि इस शहर की गलियां और चौक चौराहे चमकते नजर आते हैं। लेकिन इसे और चमकाने के चक्कर में इंदौर नगर निगम वाले तो अब बड़े बुजुर्गों की शहर से सफाई करने में लग गई है। यकीन नहीं आता तो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार की स्वच्छता रेटिंग में फिर से नंबर वन आने के चक्कर में इंदौर नगर निगम किस तरह से शहर को चमकाने के लिए वहां से गरीब बुजुर्गों को एक ट्रक में जानवरों की तरह लादकर शहर से बाहर गंदगी के बीच छोड़ रहा है। एक शख्स हाथ में डंडा लिए हुए है जबकि कुछ बुजुर्ग सड़कों पर अपने सामानों की गठरी लेकर बैठे हुए हैं और कुछ लोगों को ट्रक से उतारा जा रहा है। जिस ट्रक में बुजुर्गों को लाया गया उस गाड़ी पर भी नगर निगम लिखा हुआ है। ये बुजुर्ग जो खुद बेसहारा हैं, उन्हें नगर निगम ने भी बेसहारा छोड़ दिया। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के साथ जानवरों की तरह हो रहे व्यवहार को देखकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बुरी तरह से भड़क गईं। उन्होंने इस मामले को लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इंदौर मध्य प्रदेश की ये घटना मानवता पर एक कलंक है। सरकार और प्रशासन को इन बेसहारा लोगों से माफी मांगनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर रहे छोटे कर्मचारियों पर नहीं बल्कि ऑर्डर देने वाले उच्चस्थ अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरने से नहीं चूकी। उधर सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन में आ गए। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए इस मामले में शामिल बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई के बारे में सीएम शिवराज ने ट्वीट कर बताया, इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा वृद्ध जनों के साथ अमानवीय व्यवहार के संबंध में मुझे जानकारी मिली। इस मामले में जिम्मेदार नगर निगम उपायुक्त सहित दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और कलेक्टर इंदौर को बुजुर्गों का समुचित देखभाल करने का निर्देश दिया है। बुजुर्गों के प्रति अमानवीय व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। हर वृद्ध को आदर, प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए, यही हमारी संस्कृति और मानव धर्म भी है। इस मामले में शिवराज सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं कि आखिर किस अधिकारी ने ये आदेश दिया था कि इन बुजुर्गों को शहर के बाहर कर दिया जाए ताकि शहर स्वच्छ रह सके। इस मामले पर विवाद बढ़ता देख नगर निगम ने भी अपनी सफाई दी है और कहा है, ठंड को देखते हुए भिक्षुकों को पूरी संवेदनशीलता के साथ रैन बसेरा में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे क्योंकि कई जगहों पर देखा गया था कि भिक्षुक ठंड में रात बिता रहे हैं। नगर निगम की ओर से हर साल की तरह मानवीय पहल करते हुए उन्हें सुरक्षित ढंग से रैन बसेरा में शिफ्ट करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस काम में लापरवाही की गई है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल कहते हैं इंसानों से ही शहर बनता है, ऐसे में इंसानों को ही इस तरह से शहर से बाहर कर दिया जाए, ये कहां तक जायज है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।